अभी इनके हिसाब से देखिए चार ऐप्स हो गए, एक हदीस 360 और एक मैंने और मुस्लिम करके 360 दिखाया था, ठीक है। अब इस्लाम 360 के अपोजिट में समझ लो मुस्लिम 360 हो गया, कुरान भी है उसमें, हदीस भी है, बस तीन चार हदीस की किताबें और उनको बढ़ानी है, उसमें सर्टिफिकेट नहीं लगाया है, ठीक है। अब ये कन्वर्ट करेंगे, हो सकता है वैसे ही करें कन्वर्ट, ठीक है। अब इन्होंने देखिए हदीस का मजमुआ हिंदी इंग्लिश में अलग डाल दिया, हदीस 360 करके। अब इन्होंने देखिए हिंदी कुरान करके हिंदी विद इंग्लिश डाला है और रोमन डाला है, बाकी नेपाली मराठी डाल दिया है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ सोचने वाली है, इन्होंने अहले हदीस के सर्टिफिकेट नहीं हटाए हैं उसमें से। अब जाहिर सी बात है हदीस में इनको सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये खेल जो है हदीस में तो मौलाना मौदूदी ने कोई हदीस किताब लिखी ही नहीं, क्योंकि थे ही मुनकरीन हदीस, ना ही इसरार अहमद ना ही है। अच्छा, ये लोग जो जमात इस्लामी जो ज़्यादातर जो काम करते हैं ना, वो भी कुरान ही के ऊपर करते हैं। अब अगर ये कुरान, अगर तुम अपनी बीवियों को मिसाल के तौर पर या जो है आदमियों को कुरान सुनने से वो करोगे, तो ये प्रोपेगेंडा करेंगे कि अरे देखो ये कुरान नहीं सुनने दे रहे, अब कुरान पे इनके पाबंदी हो गई, अरे ये तो काफिरों से बदतर हो गए, नऊज़ बिल्ला, ये तो ऐसे हो गए, ये तो वैसे हो गए, ऐसे है ना, इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं। तो ये है इनका हाल। अब इस्लाम की शिट्टी पे इन्होंने देखिए जो है गुमराही इसी कुरान के नाम पर जो है इन्होंने मचाई है, ठीक है। सारे गुमराहों को जमा कर दिया है एक जगह पे, ठीक है, और कोई भी अहले हदीस आलिम नहीं है, ठीक है। अब सर्टिफिकेट इन्होंने नहीं हटाए अहले हदीस होके, क्यों? वो प्रमोट करने के लिए। अब अगर इनसे कोई पूछेगा कि अहले हदीस के सर्टिफिकेट नहीं हटाए, लेकिन एक आलिम भी तुमने अहले हदीस का हिंदी का तर्जुमा नहीं डाला तुमने, ठीक है, तो ये क्या कहेंगे कि हिंदी में जो है किसी ने अहले हदीस आलिम ने किसी ने किया ही नहीं, और ना ही इंग्लिश में, तो हम क्या डालते? अब हिंदी में जो उनके मौजूद थे तो मैंने उनका, हिंदी इंग्लिश में उनके मौजूद थे, मैंने उनका डाल दिया, तो ये ऐसे जवाब देंगे। हालांकि अहसनुल बयान का हिंदी PDF हो चुका है ना, तो ये चालाकी होती है, इसको कहते हैं चालाकी, ये इनके काम करने का तरीका है। और जाहिद हुसैन छिपा जो है अहले हदीस वाले हदीस नहीं है, मुझे ये पक्का लगता है जमात इस्लामी का, और ये जो इसने ऐप बनाए ना ये वाले, तो इससे इनका जो है समझ लो इनका पूरा प्लान जो है ना, ये समझ गए कि जो है पब्लिक का ये आने वाले समय में ना हमारा ये बाइकआउट कर सकते हैं, तो अब हमें इन टेक्नोलॉजी को और थोड़ा बढ़ा देना चाहिए, ताकि ये जहाँ तक कि अगर बाइकआउट करेंगे ना, तो हमारी हर तरफ चीज़ें होंगी, तो ये कहाँ तक के बाइकआउट करेंगे, थोड़ा नाम बदल के, थोड़ा चेंज बदल के। आप देखिए जैसे कि जमात इस्लामी के जो संगठन थे, जैसे PFI और CC और वगैरह वगैरह, ठीक है, ये भी ऐसे ही करते हैं, ठीक है, कि एक बैन होता है ना, तो उसको बैन करके दूसरे नाम से ये खोल देते हैं, वो सारे लोग उसमें कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये इनका काम करने का यही तरीका है, ठीक है, सिर्फ नाम बदलते हैं, नाम चेंज होता है, बाकी सारी चीज़ें वही रहती हैं, ठीक है। अब करो प्रोपेगेंडा, अब साबित करो, ठीक है, जब तक तुम साबित करोगे फिर हम जो है नाम बदल के दूसरा वो बनवा देंगे। तो ऐसे ये लोग काम करते हैं। अल्लाह हिफाजत करें, महफूज रखें इन धोखेबाज लोगों से।